हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो गर्मियों का मौसम है और आइसक्रीम खाना या कुल्फ़ी खाना किसी अच्छा नहीं लगता, तो आज बना रही हूँ मैं कुल्फ़ी। वो भी बिल्कुल फ्रेश अंगूर से। अंगूर तो भरपूर मात्रा में जो है बाज़ार में आजकल मिल रहे हैं, तो मैंने ले लिए हैं 250 ग्राम अंगूर जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। तो अब ले लूँगी मैं ये मिक्सर जार और अंगूर को मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसमें इसी कटोरी से मैं आधा कटोरी पानी इसमें डाल दूंगी और इसका एक जूस बना लूंगी। तो देखिए इस तरह का जूस जो है बन गया अंगूर का। तो अब इसी में मैं डाल रही हूँ इसी कटोरी के माप से 2 कटोरी और पानी। अब इसको आधे मिनट के लिए दोबारा से चला लेंगे। ये देखिए इस तरह का हो गया है। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है और एक ले ली है स्टेनर। कोई भी छन्नी आपके पास हो आप वही ले सकते हैं। अब इसको हम छान लेंगे ताकि अंगूर का जो छिलका है इसमें ना जाए। इस तरह से इसे एक चम्मच से इस तरह से हिला लेंगे ताकि सारा जूस जो है इसका निकल जाए। तो अंगूर का जो बेस्ट पल्प इस तरह का बच गया है, इसको हम फेंक देंगे। अब मैंने उसी कटोरी के माप से 1 कटोरी भर के चीनी ली है और अब इसमें एक सीक्रेट चीज डालेंगे और बिल्कुल ये बाजार वाली कुल्फी बन के तैयार होगी। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर और इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कॉर्नफ्लोर जो है हमारा इसमें मिक्स हो चुका है। तो कढ़ाई को हमने जो है गैस पे रख लिया है और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसे इस तरह से हम लगातार इसे हिलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हमने फुल पे रखा है। तो मैंने लिया है ग्रीन फूड कलर ताकि हमारी कुल्फी में जो है बहुत अच्छा रंग आए। अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो आप इसे एज इट भी रहने दे सकते हैं, ये तब भी अच्छी लगेगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कुल्फी का बैटर जो है इस तरह से बॉईल हो रहा है। इसमें हम बहुत ज़्यादा इसमें बॉईल नहीं करेंगे। इसे जब ये बॉईल आने शुरू हो जाए तो हमें इसमें 2-3 मिनट ही इसे बॉईल करना है। तो देखिए जी कुल्फी का जो सिरप है वो इस तरह का हो गया है। देखिए झाग जो बन रही थी पहले वो इस तरह से ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब हमारा कुल्फी वाला सिरप जो है बिल्कुल कुल्फी जमाने के लिए रेडी हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे हम बिल्कुल ठंडा होने के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख लेंगे। अगर हमने बहुत जल्दी इसे निकालना है कप से तो मैंने लिया है अब गुनगुना पानी और इसमें मैं अब कप को रख दूंगी। इससे जो है हमारी कुल्फी बहुत जल्दी जो है निकल के आ जाएगी। इस तरह से तो लीजिए जी हो गई हमारी रेडी ठंडी ठंडी अंगूर वाली आइसक्रीम या कुल्फी रेडी हो गई है। अगर कुल्फी की रेसिपी पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और साथ में बेल का बटन है उसे दबाइएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप भी अपने बच्चों और बड़ों को सभी को अंगूर की आइसक्रीम कुल्फी बनाकर खिलाइए और अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कुल्फी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।